और आज भी है एक और सुहाना दिन माइनक्राफ्ट में। सो हेलो, व्हाट इज़ अप गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। एंड गाइस, आज के इस वीडियो में हम फिर से खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट, वो भी अपने ख़तरनाक ग्राफिक्स के साथ। एंड गाइस, लास्ट टाइम का आपको याद ही है कि हमने बहुत बड़ा घर बनाया था, इसको मैंने थोड़ा कस्टमाइज भी कर दिया है। एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ, इसको करते हैं बंद। और आप एक मिनट यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पे मैंने टेबल्स लगा दिए हैं आइट साइड, और यहाँ पे मैंने पूरा किचन बना दिया है। और ऊपर भी आपको दिखा देता हूँ मैं, ये यहाँ पे मैंने चेस्ट लगा दी है। और एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता था गाइस, हमारे पास ये जो डायमंड्स हैं, एक मिनट, यहाँ पे मुझे एक चीज़ और चाहिए, स्टिक्स तो, और ये बकेट भी चाहिए थी। और यहाँ पे जो ये डायमंड्स हैं, इन डायमंड से एक डायमंड पिकैक्स बनती है गाइस। एक मिनट मैं दिखा रहा हूँ, ये रही डायमंड पिकैक्स, तो पहले इस डायमंड पिकैक्स बना लेता हूँ मैं। और हाँ, बन चुकी है हमारी डायमंड पिकैक्स, और बचे कुछ डायमंड्स मैं यहाँ पे इसके अंदर रख के आ जाता हूँ। एक मिनट, इसको डायमंड्स को यहाँ पे रख देता हूँ। और आज हम जाने वाले हैं दूसरे डायमेंशन में, जैसे कि आपने सुना, तो इसके लिए मुझे पानी चाहिए होगा। तो एक मिनट, पहले विलेजर्स के खेतों से पानी लेके आते हैं। तो यहाँ से मैं पानी ले लेता हूँ, और ये ले लिया, और चारों बकेट्स फिल कर देते हैं गाइस। ओके, ये काम हो गया। और अब हम चलते हैं हमारी माइंस के अंदर, क्योंकि लास्ट टाइम आपको याद होगा हमारी माइंस के अंदर बहुत सारा लावा निकल रहा था, तो हमें लावा रॉक्स की ज़रूरत पड़ने वाली है गाइस। एक मिनट, अब मैं नीचे चलता हूँ। सो ये एरिया मैं कट करता हूँ, जल्दी जल्दी करके नीचे चलते हैं। और आई थिंक हमें इस साइड जाना है, तो मैं इस साइड जाता हूँ, और यहाँ पे एंड साइड्स हैं। ओके, सो मैं जल्दी जल्दी करके चलता हूँ। और कहाँ पे था, एक मिनट, ये रहा, यहाँ पे है ये लावा। तो पहले ऊपर तोड़ लेता हूँ मैं, और चेक करते हैं कितनी अंदर तक है। और ये ज़्यादा अंदर तक नहीं है, लग तो रहा है। पानी डालता हूँ पहले, और अब देखिए ये यहाँ पे बन चुके हैं ये लावा रॉक्स। इन लावा रॉक्स को मैं डायमंड पिकैक्स से तोड़ सकता हूँ, और इन लावा रॉक्स को डायमंड पिकैक्स के सिवा किसी भी पिकैक्स नहीं तोड़ा जा सकता गाइस, इसलिए हम डायमंड पिकैक्स। यहाँ पे और लावा निकल रहा है, एक काम करता हूँ, पहले यहाँ पे पानी डालता हूँ एक मिनट, ये रहा पानी। और अब ट्राई करते हैं यहाँ पे, अब लावा निकलेगा अभी, तो वो ठंडा हो जाएगा। ओके, और टॉर्च की कमी पड़ रही है यहाँ पे, आई थिंक मेरे पास, हाँ मेरे पास टॉर्च पड़ी है, तो एक टॉर्च यहाँ लगाता हूँ मैं, और एक टॉर्च यहाँ लगाते हैं। और अब यहाँ पे नीचे माइनिंग करना शुरू करते हैं। सो ये बहुत टाइम ले रहा है टूटने में। एंड फाइनली गाइस, जितने मुझे चाहिए थे मैंने सारे के सारे कलेक्ट कर लिए हैं, और मैं टोटल 25 लेकर जाने वाला हूँ। तो बचे बचे और निकाल लेता हूँ मैं, 24 हो चुके हैं। एंड ये लास्ट हो गया, बच गया मैं। और अब मैं जल्दी जल्दी करके चलता हूँ, एक मिनट, हाँ काम डन, इस साइड चलते हैं। ये बार बार कंफ्यूज कर रहा है मुझे। और इस साइड, एक मिनट, इस साइड नहीं आना, हमें इस साइड जाना है। तो मैं जल्दी जल्दी करके ऊपर चलता हूँ अब, और मैं ऊपर आ चुका हूँ। और यहाँ पे बहुत अंधेरा टाइप का लग रहा है मुझे, एक मिनट, टॉर्चेस हैं मेरे पास, इसको निकालता हूँ, और टॉर्च को मैं यहाँ पे लगाने वाला हूँ। ये लगाया मैंने, और हो गया इतना, ठीक है, इसको करते हैं बंद। और शाम भी होने वाली है, ज़ॉम्बीज आ सकते हैं पहले जाके मैं, तो मैं अपने घर में जाकर सो जाता हूँ। और इसको बंद करता हूँ, एक मिनट, इसको बंद किया, और अब यहाँ से ऊपर जाता हूँ। और एक मिनट, हाँ एक काम करते हैं, ऊपर चलते हैं पहले, और जितना भी हमें वहाँ पे स्टफ़ लगने वाला है मैं सारा का सारा सामान क्रिएट कर लेता हूँ। तो फ़िलहाल तो मैं, एक मिनट, यहाँ से ये, और जितना भी फालतू सामान है सब का सब मैं इसके अंदर डालने वाला हूँ, इसको भी डाल देते हैं। और ये काम हो गया, और चेक करते हैं, ये यहाँ पे मुझे और भी सामान की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि ये खाना है, ये खाना निकाल लेता हूँ, इसको रखते हैं यहाँ पे। और ये जितना भी सामान मेरे पास पड़ा हुआ है, ये सारा का सारा सामान भी मुझे रखना है, तो पहले इसको भी यहीं रख देता हूँ मैं अभी। और ये क्यों रख दिया मैंने, इसको वापस रखना पड़ेगा मुझे, इसको रखते हैं यहाँ पे। और ये कुक्ड बीफ को भी मैं ऊपर रख लेता हूँ, और हो गया, ठीक है, इसको खा लेता हूँ, हमारी हीरो को भी भूख लगी है। और ठीक है, इतना काम हो गया। और एक चीज़ और, एक चीज़ और यहाँ पे, एक मिनट, सो पहले यहाँ पे
इसमें इसमें किसमें होगा, एक मिनट, आई थिंक यहाँ पे है। तो मुझे आयरन चाहिए था और आयरन फिलहाल तो मेरे पास, हाँ एक मिनट, ये आयरन पिकैक्स है और क्या है, ये स्टोन और ये एक मिनट, हाँ ठीक है, ये इसको भी निकाल लिया मैंने और ये भी निकाल लिया, ठीक है। और मेरे पास आयरन की फ़िलहाल तो लग रहा है कमी है, तो एक काम करता हूँ, मैं नीचे जाके फर्नेस से आयरन निकाल लेता हूँ। आई थिंक मैंने फर्नेस के अंदर आयरन रखा था और हाँ ये रहा आयरन, 36 आयरन है मेरे पास। ओके सो अब मैं यहाँ से ऊपर जाता हूँ और ये किया ऊपर, और जितना भी स्टफ हमारे पास, जैसे कि एक मिनट मेरे पास आर्मर चेक करता हूँ कि मेरे पास आर्मर में क्या क्या नहीं है फिलहाल। तो शील, एक मिनट, शील है मेरे पास, ये रही शील। और चेक करते हैं यहाँ पे चेस्ट प्लेट होगी, तो पहले एक चेस्ट प्लेट बनाता हूँ और ये चेस्ट प्लेट हो चुकी है, इसको लगाते हैं यहाँ पे। और अब मुझे एक हेलमेट की ज़रूरत है, तो ये एक मिनट, और ऊपर, हाँ ये रहा आयरन हेलमेट, तो इसको भी बना लेता हूँ और ये भी हो गया। तो मेरा हेलमेट भी तैयार है। और एक मिनट आप देखिए ज़रा टीवी में करते हैं, ये देखिए कितना कूल लग रहा है हमारा हीरो इस आयरन और गोल्ड आर्मर में। और जितना मुझे चाहिए मैं सारा का सारा सामान कस्टमाइज कर लेता हूँ और चलते हैं नीचे। और एक मिनट, मैंने किसी फर्नेस के अंदर वुड रखी थी, हाँ ये रही वुड, इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है मुझे, और इसका मुझे स्टिक बनानी होगी, ये रही स्टिक। तो मुझे जितनी चाहिए स्टिक बना देता हूँ और यहाँ से जो भी सामान मुझे क्राफ्ट करना है वो सब सामान भी मैं क्राफ्ट कर देता हूँ जल्दी जल्दी। और ये आयरन हो क्यों बना लिया मैंने, आई थिंक ये गलती से बना लिया मैंने, कोई बात नहीं, इसको नीचे रख लेते हैं। और इतना, और ठीक है इतना काफ़ी है, हाँ ठीक है इतना काफ़ी है। और अब मैं जाने वाला हूँ ऊपर और यहाँ से ऊपर चलते हैं। एंड अब मैं जल्दी जल्दी करके और देखता हूँ, मुझे बहुत सारे डायरेक्ट ब्लॉक की भी ज़रूरत पड़ने वाली है वहाँ पे, ओके इतने काफ़ी होंगे, और चेक करता हूँ, हाँ। और अब मैं सो जाता हूँ पहले। एंड गुड मॉर्निंग गाइस, ओके, और जल्दी जल्दी अपना काम करते हैं। और हाँ मुझे यहाँ पे एरोस और बो की भी ज़रूरत पड़ने वाली है, तो ये रहा फ्लिंट और ये एरो, ये स्ट्रिंग। और पहले एक काम करते हैं, बो बनाता हूँ मैं, तो ये रहा एक मिनट, बो की रेसिपी ये है, इसको क्राफ्ट कर लेता हूँ और यहीं, हाँ यहीं रखना था मुझे। और एक मिनट, अब मुझे फैदर्स निकालने होंगे, तो यहाँ पे मैं फैदर्स निकाल लेता हूँ और ये रहे फैदर्स, इसको निकाल लेता हूँ। और आई थिंक एक और है, हाँ ये रहा, इसको भी निकाल लेता हूँ। और एक मिनट, अब चेक करता हूँ मैं कि एक मिनट ऊपर, हाँ ये रहा, ये बन रही है एरोस, तो मैं एरोस बना लेता हूँ जल्दी जल्दी। एंड ओके, इतनी एरोस काफ़ी रहेंगी मुझे लगता है। और एक मिनट, हाँ ठीक है, और ये आयरन भी लगेगा मुझे, ये रहा आयरन। और आयरन से एक चीज़ क्राफ्ट होने वाली है जिसको कहते हैं फ्लिंट एंड स्टील, ये रहा। इस फ्लिंट एंड स्टील से हम जो पोर्टल बनाएंगे उसको लाइट करने वाले हैं। तो ऊपर, अब नीचे चलते हैं और इसको करते हैं बंद और देख लेते हैं ज़रा ये कितना प्यारा घोड़ा घूम रहा है यहाँ पे। और घोड़े के पीछे, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, फट गया वो सारा, दिमाग ख़राब करते हैं गाइस से। और यहाँ पे एक और है, ये एक मिनट, इसको तो मैं दूंगा, रख दिया, बच गया, अब नहीं बचेगा, ये भी फट गया, ये कस दो गड्ढे मेरे वर्ल्ड में। और फिलहाल तो हम इन गड्ढों को नहीं भरने वाले हैं, मैं चलने वाला हूँ अपनी केव के अंदर और अपना पोर्टल यहीं पे बनाएंगे, ये दरवाज़ा लगता भी नहीं है यहाँ पे, जस्ट एंड में मैं यहाँ पे पोर्टल बनाऊँगा। और फ्रेम तैयार करना पड़ेगा, हाँ पहले इसको तोड़ते हैं, इसको तोड़ा, ये तोड़ लेते हैं, और इसको, इसको और इसको, और उसकी जो वॉल्स रहेंगी वो 3 ब्लॉक्स ऊंची रहेंगी, 1 2 3। और अब यहाँ पे लगने वाले हैं, तो पहले इसको तोड़ते हैं, इसको तोड़ते हैं, और अब यहाँ पे लगने वाले हैं 1 2, और यहाँ पे इसको तोड़ा मैंने, और 1 2, इतना काफ़ी है क्या, हाँ इतना काफ़ी है, ये लगाया। और अब लास्ट यहाँ पे 2 लगने वाले हैं ज़मीन के अंदर, 1 2, और ये लगाया, ये लगाया। और इन बचे हुए ऑब्सीडियंस का यूज़ करने वाला हूँ मैं बैकअप के लिए, मान लो अगर मैं उस डायमेंशन में जाके फंस गया तो मुझे वहाँ जाके सडनली एक पोर्टल क्रिएट करके मैं वहाँ से भाग आऊँगा। तो यहाँ पे एक्टिवेट कर दिया है और ये खुल चुका है, ये बहुत डेंजरस लग रहा है।
इसके अंदर जाकर चेक करना है कि अंदर क्या है। एक मिनट चलते हैं अंदर, अभी भी मुझे डर लग रहा है, पर सिर पे कफन मारने वाले मौत से नहीं डरते, हम चलते हैं अंदर। बिल्डिंग खुलने पता नहीं कैसा होने वाला है गाइस ये वर्ल्ड, और ये बहुत टाइम ले रहा है। हाँ आ चुका है वो, मैं अंदर आ चुका हूँ और आप देख रहे हैं ये रेड सा दिख रहा है, ये तो पूरा ब्लडी मून टाइप का सीन आ रहा है यहाँ पे। और एक मिनट पहले मैं ऊपर चढ़ता हूँ क्योंकि यहाँ पे कोई भरोसा नहीं है गाइस, यहाँ पे क्या हो सकता है। एक मिनट ऊपर ऊपर, अरे यार एक मिनट, और जंप किया, ये जंप ये जंप ये जंप, और यहाँ पे एक लाइट ब्लॉक लगा हुआ है और ये पूरा रेड दिख रहा है। और एक काम करते हैं हम आगे चलते हैं, यहाँ पे कोई है नहीं, और आगे चलते हैं। ये जंप और यहाँ से ऊपर ऊपर ऊपर, यहाँ यहाँ यहाँ, और ठीक है इतना तो काफ़ी। यहाँ पे कोई दिख नहीं रहा है मुझे, पूरा रेड रेड सा क्यों है। ओके ये बहुत ख़तरनाक है, और ये क्या है। एक काम करते हैं पहले यहाँ पे साइड में चलते हैं और अब चेक करते हैं, ये रैप्ड फंगस, और ये क्या है, ये रेड कलर का है, ये क्रिम्सन फंगस है। ओके और ये बहुत ख़तरनाक दिख रहा है यहाँ पे। एक काम करते हैं हम यहाँ पे आगे चलते हैं, यहाँ पे आगे चलते हैं, वहाँ पे कुछ बड़ा सा घूम रहा है वो क्या है। और नीचे एक मिनट, अगर मैं नीचे गिरा तो यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा मेरा खेल। और कैसी सी आवाज़ आ रही है यहाँ पे, एक मिनट ये नहीं चाहिए था, ये चाहिए था मुझे। किसी ने मुझे सजेस्ट किया था कि हम हे व्हील्स का यूज़ डैमेज प्रिवेंट करने के लिए कर सकते हैं, तो आज चेक करते हैं। यहाँ पे आज चेक करने वाले हैं हे व्हील्स की पावर, और ये लगाया पूरा, एक मिनट पूरा डैमेज सोख लिया इसने, क्या कमाल की चीज़ है ये, पूरा डैमेज सोख लिया इसने। अब यहाँ पे एक मिनट पहले इसको तोड़ता हूँ मैं और आगे चलते हैं, और फिर गिर गया मैं, कहाँ से गिर गया। अरे यार ये तो गड़बड़ हो गई गाइस, मैं अपने पोर्टल तक कैसे पहुँचूँगा। और ठीक है फिलहाल तो हम आगे चलते हैं क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा कुछ समझ में आ नहीं रहा है मुझे। और यहाँ पे आग लगी हुई है और ये पूरा आई थिंक सो लावा है, लावा की नदी के ऊपर चल रहे हैं हम। इसको तोड़ते हैं, और यहाँ पे भी आग लगी है, इसको भी बंद करना पड़ेगा। ये किया बंद, और यहाँ से पहले टॉर्च लगाते हैं, और यहाँ पे ऊपर जाना पड़ेगा क्या, आगे जाने का रास्ता नहीं है, ऊपर ही जाना पड़ेगा लग रहा है। ये रही डर्ट, इसलिए मैं पूरा का पूरा डर्ट से समेट के लाया था। इसको एक मिनट यहाँ लगाते हैं, और ये और आगे तो नहीं जाऊँगा मैं, एक काम करते हैं ऊपर चलते हैं, ऊपर जाना ही साथ होगा। ये 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 और ऊपर आ चुका हूँ मैं, यहाँ से जंप करते हैं, और भी ऊपर जाना है अभी। कितना खतरनाक दिख रहा है यहाँ पे, ऊपर चलते हैं, और कैसी सी आवाज़ आ रही है यहाँ पे, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा ये है क्या। ऊपर चलते हैं, और यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे कुछ ग्लोइंग वाले ब्लॉक्स लगे हुए हैं, चेक करते हैं कि ये क्या है, और ये चमक रहे हैं, इनको चेक करते हैं। ये 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 और ये सारे के सारे मैं लेके जाता हूँ, और इनको तोड़ने पर ग्लास वाली फीलिंग आ रही है, और ये ग्लो स्टोन डस्ट है। ओके फिलहाल तो मैं उनको झोड़ छाड़ के आ गया चुका हूँ, और यहाँ पे फिर मुझे आई थिंक हे बिल्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। ये रहे ये पूरा डैमेज सोख लेता है, बहुत काम की चीज़ है। एक लाइक इन हे बिल्स के लिए। सो फिलहाल आगे चलते हैं, और यहाँ पे और भी आगे जाना होगा हमें। ये 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 और यहाँ से जंप 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 जंप, और ये देखिए कितना ख़तरनाक दिख रहा है यहाँ पे। फिलहाल तो मैं आगे जाने वाला हूँ, और यहाँ पे मुझे कुछ ख़तरनाक वाली फीलिंग आ रही है। एक मिनट यहाँ से, हाँ यहाँ पे रास्ता है। ओके और अब यहाँ पे रास्ता नहीं है, और यहाँ पे भी पूरा लगा हुआ है। एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे ब्रिजिंग करना स्टार्ट करता हूँ पहले, और नीचे चलते हैं, और यहाँ से एक मिनट ये और नीचे, अगर मैं गिरा तो सीधे लावा में गिरूंगा मैं, और ख़त्म मेरा खेल। इसको लगाते हैं,
ये लगाया और ये लगाया, ये और ये एंड ये, और आई थिंक इतना काफ़ी होगा। मैं यहाँ से नीचे कूद जाता हूँ और यहाँ पे क्रिएचर्स बहुत टाइम बाद मुझे दिखे हैं, और ये कुछ अजीब सा ही दिख रहा है निकल रहा है यहाँ से। सबके सब वैसे ही हैं, सब ने हाथ में स्वॉर्ड पकड़ी हुई है हमारी तरह। और आगे चलते हैं, ये आग लगी हुई है यहाँ पे, और ये बार बार बहुत अजीब सी आवाज़ आ रही है यहाँ पे। ऊपर चलते हैं ऊपर, और ठीक है यहाँ पे कुछ ब्लॉक्स मिले हैं, इनको तोड़कर देखते हैं कि ये क्या है। ये एंड ट्राई करते हैं, ये नेदर क्वार्ट्ज हैं। ओके और ठीक है चलते हैं आगे। और बहुत टाइम से मैं रास्ता ढूंढ रहा हूँ पर यहाँ पे कोई रास्ता मिल नहीं रहा है मुझे, तो मैं एक काम करता हूँ, खुद का रास्ता बनाने वाला हूँ अब मैं, और ऊपर नहीं जा पा रहा, पहले इसको तोड़ना पड़ेगा। एंड यहाँ से मैं टॉप माइनिंग करने वाला हूँ। सो ये लगाया, और यहाँ पे बहुत अंधेरा भी है। पहले एक काम करते हैं, आगे तोड़ के देखते हैं। ये रही, यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है, पूरा अंधेरा है यहाँ पे। और ऊपर चलते हैं यहाँ पे, एंड फाइनली मैं बहुत टाइम से ऊपर चलते आ रहा हूँ, और अब टाइम है सीधा चलने का। एक मिनट, हाँ एक काम करते हैं, यहाँ पे पीछे खोदना शुरू करते हैं और आगे चलते हैं। और ये बहुत जल्दी जल्दी खोद रही है यहाँ पे, ये सारा का सारा काम निपटाते हैं। एंड मेरी पिकैक्स टूट गई, ये तो गड़बड़ हो गई, मैं दूसरे पिकैक्स भी नहीं लेके आया, ये बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। अब क्या करूँ, वापस तो जा नहीं सकता मैं। एक मिनट, क्राफ्टिंग का सामान भी नहीं लेके आया मैं, हाथ से ही खोजना शुरू करते हैं। चलो ये लावा, एक मिनट इसको बंद करना पड़ेगा, और ये बेल ही लगा दिया मैंने यहाँ पे। ओके सो ये सब भी काम निपटाना पड़ेगा। एंड एक काम करते हैं, इसको तोड़ते हैं। एंड फाइनली लावा बंद कर दिया मैंने, और अब हम अंदर चलने वाले हैं। और फिर बाहर आ चुका हूँ मैं, और यहाँ पे फिर बहुत ख़तरनाक सी जगह दिखी है मुझे। यहाँ पे सब जगह आग लगी हुई है, लावा बह रहा है एकदम, मत पूछो ये तो। और गाइस, हल्का सा रिकॉर्डर ग्लिच कर गया था मेरा, जिसकी वजह से बीच का पार्ट थोड़ा कट हो गया है, तो मैं आपको बता देता हूँ, मैं एक के बाद दूसरी सुरंग यहाँ पे बनाना शुरू कर दिया हूँ, और हाथ से ही खोद रहा हूँ मैं फ़िलहाल तो। और बहुत टाइम से मैं यहाँ पे अंदर खोद रहा हूँ, पर यहाँ पे कुछ भी निकल नहीं रहा है। एक काम करते हैं, अब ज़रा हम अपने लेफ्ट में खोदना शुरू करते हैं। एक मिनट, यहाँ पे खोदना शुरू करते हैं, आई थिंक मुझे ज़मीन मिल जाए, क्योंकि अब मैं यहाँ पे बहुत टाइम से हूँ, और अब मैं यहाँ पे बिल्कुल भी रहना नहीं चाहता। नीचे तरफ खोदते हैं, और पहले तो यहाँ पे लाइट जलानी होगी मुझे। और ये रहा, ये फ्लिंट एंड स्टील आग लगाने के काम आता है, मैं आपको बताना भूल गया था गाइस। और इसको खोदता हूँ, और यहाँ पे मुझे एक नया ब्लॉक दिखा है, क्या है? एक मिनट, कुछ तो है यहाँ पे। एक मिनट, ये कुछ तो है, इसको तोड़ना पड़ेगा, और ये बहुत टाइम लेने वाला है टूटने में, क्योंकि हमारी पिकैक्स टूट चुकी है और हमारे पास हाथ ही हैं खोदने के लिए अब। तो इसको तोड़ते हैं, और इन दो ब्लॉक्स को भी मैंने तोड़ लिया है, और अब ये लास्ट बचा है, और तोड़ते हैं इसको। और एक मिनट, ये कौन है, कोई अजीब सा क्रिएचर है यहाँ पे। पहले इसको तोड़ते हैं, एंड चलिए ज़रा आप ऊपर चल के देखते हैं कि ये था कौन। एक मिनट आयरन स्वॉर्ड है मेरे पास, ऊपर चलता हूँ मैं। और यहाँ पे बहुत सारे घूम रहे हैं, ये आग लग गई इनको देख के, इनको मारना पड़ेगा, ये मुझे ही मार देंगे। एक मिनट, इनको मारना पड़ेगा, निपटा दिया, मेरे ऊपर आग लगा रहे हैं। एक मिनट, इसको लगाते हैं, और ये और मेरे ऊपर आग लग गई, मैं जा रहा हूँ यहाँ पे कोई मतलब नहीं गाइस यहाँ पे। इसको एक मिनट इसको करते हैं बंद, और ये वो आ रहा था मुझे मारने के लिए, यहाँ तो खतरा है, यहाँ पे मैं नहीं जा रहा हूँ।
और अब मैं वापस भी नहीं जाने वाला हूँ, क्योंकि वो जो पोर्टल है वो हमारी लोकेशन से बहुत ज़्यादा दूर है और वहाँ जाने में फिर भी खतरा है। तो फिलहाल तो मैं वापस नहीं जाने वाला हूँ। एक काम करते हैं, हम यहीं पे पोर्टल बनाने वाले हैं। सो इसको तोड़ा, इसको तोड़ा, और यहाँ पे ऑक्सीजन लगाते हैं, ये और यहाँ पे लगाते हैं, अब ये और ये, अब यहाँ पे 1, 2, 3 और यहाँ पे ऊपर लगाते हैं, ये और ये लगाया, और यहाँ पे लगाना है, ये लगाया। और अब यहाँ पे मैं इसको, एक मिनट, ऐसा नहीं होना चाहिए था गाइस। यहाँ पे एक और ऑब्सीडियन लग चुका है, और इस ऑब्सीडियन को तोड़ने के लिए मैंने डायमंड पिकैक्स भी लेके आया हूँ। और ऐसे तो ये पोर्टल चालू होने नहीं वाला है। एक मिनट इसको तोड़ के देखते हैं। और हाँ, ये नहीं टूटने वाला है, यहाँ पे ये बिल्कुल भी नहीं टूटने वाला है। ये मुझसे बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। एक मिनट, इसको अब क्या करूँ मैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। इसको तोड़ के देखते हैं, नहीं टूटने वाला, पता है गाइस ये नहीं टूटने वाला है, और चालू भी नहीं होगा पोर्टल। इसको तोड़ते हैं और इसको तोड़ते हैं, और अब यहाँ पे फ्लिंट एंड स्टील डाल के देखता हूँ, शायद तक ये चालू हो जाए। ये डाला, और नहीं, बिल्कुल नहीं गाइस, यहाँ पे अभी चालू नहीं होने वाला है ये पोर्टल। और मेरे पास और ऑब्सीडियंस है नहीं कि मैं एक और पोर्टल बना लूँ। और अब हम यहाँ पे फंस चुके हैं, बहुत बड़ी गड़बड़ हो चुकी है यहाँ पे। सो गाइस, आज के इस वाले वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर देना गाइस, बेल आइकन को भी ज़रूर दबा देना, और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।